नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन और सड़कों पर उतने दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ या NRC CAA के खिलाफ जो बातें चल रही हैं और अलग अलग जगहों पर जो 24 घंटे बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में बिना किसी के प्रभाव किए हुए एक लालू जी के संदेश के अनुरूप व तेजस्वी की भी मनोभावना थी कि लोगों को यह एहसास हो कि किसी प्रकार ये माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार गरीब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, कागज की खेल से उलझ कर रह जाए। उन्होंने कहा कि बीते 5 दशक से इस पर आंदोलन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हुकूमत 1 इंच पीछे हटने की बात कहती है। हम उसे बार बार कहेंगे कि एक बार अपना इतिहास पलट कर देखिए कि 5 गांव की वजह से महाभारत हो गई। वहीं पत्रकारों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गांधीवाद वाली महाभारत होगी। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों का मकसद एक है। हम ऐसी राज्य की कल्पना करते हैं कि जिस राज्य में इंसान कागज के टुकड़े खोजने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महरूम ना हो जाए। अभी मुजफ्फरपुर मैं आया हूँ, ढाका, चंपारण, मोतिहारी और महिषी होते हुए मुजफ्फरपुर, क्योंकि सदन में और सड़क पर जो इतने दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ या संभावित NRC और NPR के खिलाफ जो बातें चल रही हैं और जो अलग अलग जगह पर लोग अपनी जाति जिंदगी को डिस्टर्ब करके भी बैठे हुए हैं 24 घंटे सातों दिन, उस आंदोलन के समर्थन में चूंकि हमने सदन में भी अपने दल की ओर से बहुत मजबूती से अपनी बातें रखी, फिर सड़क पर भी राष्ट्रीय जनता दल ने बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए एक लालू जी के संदेश के अनुरूप और जो तेजस्वी जी की मनोभावना थी कि लोगों को यह एहसास हो कि ये पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार गरीब, चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, वो कागज की खोज में उलझ के रह जाए। ये पूरा का पूरा आंदोलन अगर इसकी पृष्ठभूमि आप देखें तो ये स्पष्ट है कि बीते 5 दशक में इस प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ। बाएं हाथ पे काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान और कांधे पे तिरंगा लेकर के ये सब लोग पूछ रहे हैं कि मुझे मेरे कपड़ों से पहचानो, मैं कौन हूँ। और उसमें क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या युवा, और हर कोई कुछ नहीं चाहता, सिर्फ चाहता है कि संविधान को स्याह करने की जो कोशिश की गई है CAA के माध्यम से, जिसके बाद हिंदुस्तान और इसराइल का फर्क मिट जा रहा है, उस कानून को वापस लिया जाए ताकि बापू की 150वीं जयंती वर्ष में बापू जहां कहीं भी हो उन्हें ये संदेश न जाए कि उनके मुल्क में इस प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं जो जिन्ना को जिताने पे, जिन्ना को सार्थक साबित करने पर तुली हुई है। ये मकसद था हमारा। साथ ही साथ बेरोजगारी हटाओ यात्रा एक तरह से शुरू हो चुकी है और कई कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं। उस पृष्ठभूमि में भी इस पूरे आंदोलन को समझने की जरूरत है और हमने अपनी ओर से यह तय किया है चाहे कुछ भी हो, हम जो हुकूमत 1 इंच पीछे हटने की बात कहती है उससे बार बार कहेंगे, एक बार अपना इतिहास देखिए, 5 गांव की वजह से महाभारत हो गया। इस प्रकार की जुबान 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये लोकतंत्र की जुबान नहीं है, ये बापू, लोहिया, अंबेडकर और नेहरू के देश की जुबान नहीं है, जहां असहमति और सहमति ने कांधे से कांधे मिला करके इस मुल्क को एक महासागर के चरित्र में रखा, जिसको मोदी जी और अमित शाह जी आज गदले तालाब में तब्दील करने पे तुले हुए हैं। ये मुझको एक छोटे आशय में आप लोगों से बात कहनी थी। यात्रा का मकसद क्या था, संगठन हमारा, हमारे संगठन में फेरबदल हुआ है, हमने चादर बहुत लंबी की है, हर जाति, वर्ग, कौम, समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। ये संगठन के बदलाव है जो सत्ता की भागीदारी तक जाएंगे। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को ये नहीं लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल में उनकी पहचान, उनकी भूमिका, उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक समन्वयित रूप में, चाहे CAA का आंदोलन हो के खिलाफ का, या बेरोजगारी का हो, या हमारे संगठन के फेरबदल का हो, तमाम चीज़ों का मकसद एक है
कि हम ऐसी इस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं जिस राज्य में इंसान कागज की खोज में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महरूम ना हो जाए। शुक्रिया। जो कोई भी आपके सवाल हो। आपने कहा कि एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, महाभारत उसी पर हुआ, तो क्या महाभारत होने वाला है क्या?